और तुम किस में रहते हो? हमारा ये सामने वाला व्यू वाला कल गर्ल्स हॉस्टल रहा। कौन सा? सामने वाइट वाली बिल्डिंग। काम कहाँ पे? वहीं पर है वहाँ लड़का लोग। आप लोग सामने देख सकते हो बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ है। एंड ये बाइक वाला है, दिस इज द कार। ये बाइक कितना गंदा। तो हे गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। सो अभी अपनी बाइक को बाहर लगा रखा है मैंने एंड अभी अपन चलने वाले हैं। सो ये रही अपनी बाइक एंड काफ़ी मस्त लग रही है। एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ मैं पहले व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, वो आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। यहाँ अपनी जो है केटी विवेक की जो लोगो है वो लगा दिया मैंने एंड हेयर। सो ये जो है आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर बताना। सभी यहाँ से निकलते हैं देन आप लोगों से फिर रास्ते में बात करेंगे। फॉर्म कहाँ भरने जाना था? फॉर्म को आते टाइम इधर ही लगा देते हैं। चलो यहाँ से सीधे चलना है ना। चलो ठीक है यहीं रहने दे। यार ये मुझे अच्छा नहीं लगा रूम, थोड़ा रिएक्शन भी ले लेता मैं अगर बाइक से जाना रहता तो। क्लासरूम के बगल में जाते, कॉलेज के बगल में जाते। तो गाइज आप लोग बताओ कमेंट करके मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। बाइक को तो मैंने वहाँ लगा दिया, मुझे ऐसा कॉलेज चाहिए ना जहाँ मैं एकदम आराम से बाइक लेके घूम सकूँ। नहीं तो पार्किंग है वहाँ ग्राउंड में। पार्किंग वहीं पर है। अच्छा पार्किंग तो कोई घूमता नहीं होगा इस पे? नहीं अगर मैं रहता तो होता है स्टाफ और गार्ड देख लेते तो दिक्कत। वो तुम्हारे कॉलेज का ब्रांच है ब्लू वाला बिल्डिंग? नहीं वो डिप्लोमा ब्रांच का। डिप्लोमा और तुम क्या कर रहे हो? बीटेक। और तुम किस में रहते हो? हमारा ये सामने वाला व्यू वाला। अच्छा तुम इसमें रहते हो। चलो ठीक ठाक है। बड़ा है कॉलेज? अच्छा है। हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल रहा। कौन सा? सामने वाइट वाली बिल्डिंग। हाँ। इसमें हॉस्टल का भी मतलब ऑप्शन है? हाँ, पीछे सी एस भी होता है क्या? हाँ हाँ। अच्छा तभी तो, वरना फिल फील्ड वर्क में ज़्यादा लड़कियां नहीं रहती है ना, इसलिए मैंने पूछा। इधर सामने है वे। क्या काम कहाँ पे तुमको? काम कहाँ पे? काम कहाँ पे? वहीं पर है वहाँ लड़का लोग खड़ा है वहाँ। सब लोग हाथ हिला रहे हैं। पहचानते क्या तुमको लोग? क्लासमेट है। क्या मतलब आते आते कॉलेज में एकदम फ्रेंड बनाना शुरू हो गया? सही है फिर।
आप लोगों ने देखा उस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, हम एच पे ऐसा होते रहता है। एक्सीडेंट्स है वो सामने वाले की गलती की वजह से हो जाए। अगर आप सेफ्टी के साथ ड्राइव करते हो तो ड्राइव करते हो तो सामने वाला भी सेफ रहेगा। अभी आप लोग सामने देख सकते हो बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ है। ये बाइक वाला है, दिस इज द कार। ये बाइक कितना गंदा गिर गया एंड कार का हालत भी देख सकते हैं आप। एंड पूरा बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ है। सो गाइस अभी हम लोग लौट रहे थे एक जगह से एंड अभी मीठा वाले रोड पे हम लोग, एंड आप लोगों ने देखा कि कैसा एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी गंदा एक्सीडेंट हो गया था। हाईवेज पे ऐसे होते रहता है, इसीलिए आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि सेफ्टी के साथ राइड करें कभी भी करते हैं तो। एंड स्पीड करना इज़ रियली वेरी डेंजरस। स्पीड जो है अक्सर एक्सीडेंट का रीज़न बनता है। सो वेल गाइस वहाँ पे जो है काफ़ी गंदा एक्सीडेंट हो गया एंड आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि कभी भी अगर आप लोग हाईवेज पे जाते हो सो आप जैसे भी चलाओ गाड़ी जो है अपने कंट्रोल में चलाएं एंड कभी भी ओवर स्पीडिंग ना करें। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि पीछे का भी ध्यान रखें। तो इसीलिए आप देख सकते हो मेरा जो दोनों साइड मिरर है वो खुला है, क्योंकि एक्सीडेंट में जो भी आप लोगों ने देखा वो पीछे की ओर से हुआ है। जैसे अभी मैं चल रहा हूँ मतलब इसी तरह से किसी भी एक डायरेक्शन में पीछे से किसी ने उसे ठोक दिया बाइक वाले को, कार वाले को।